मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है अब तो। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आप हो गए ना कनेक्ट? अब अपन स्टार्ट कर देते हैं। 9:15 पे है। हाँ अपन कर रहे थे मार्केशिया, तो मार्केशिया का स्टार्ट कर देते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन ले रहे थे बेटा। आप लोग बहुत देरी से कनेक्ट हो पाए, चलो अच्छा है कनेक्ट हो गए अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा मार्केशिया में अपना चल रहा था इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केशिया, आंतरिक संरचना। ये नहीं हुआ था ना मार्केशिया में बचा था, तो अपन ले लेते हैं मार्केशिया की थैलस की आंतरिक संरचना कैसी होती है। तो मार्केशिया का थैलस दो स्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित होता है। मार्केशिया का थैलस दो स्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित होता है। एक तो है प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र, फोटोसिंथेटिक रीजन, एक है स्टोरेज रीजन, संचयी क्षेत्र। तो अपन बात करते हैं अबाउट द फोटोसिंथेटिक रीजन इन मार्केशिया, प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र। तो थैलस की अपाक्ष सतह की ओर प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र विभेदित रहता है, जिस पर अपर एपिडर्मिस का आवरण होता है, जिस पर अपर एपिडर्मिस का आवरण होता है, वह अधिचर्म की कोशिकाएं पतली भित्ति व क्लोरोफिल युक्त होती है। पांडातन पहली गति बार चुप रह जा बेटा। हाँ अब चुप रहे। अपर एपिडर्मिस की कोशिकाएं पतली भित्ति व क्लोरोफिल युक्त होती है। अधिचर्म में अनेक ढोलक की आकृति के रंध्र उपस्थित होते हैं, जो नीचे स्थित वायु प्रकोष्ठों एयर चैम्बर्स में खुलते हैं। प्रत्येक रंध्र 4 से 8 अध्यारोपित कोशिका वलयों या सोपानों द्वारा परिबद्ध रहता है, तथा प्रत्येक सोपान में 4 से 5 कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक रंध्र 16 से 40 कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है, 16 से 40 कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है। प्रत्येक छिद्र मध्य में चौड़ा व किनारों पर सकड़ा होता है, जिसके कारण ढोलक के समान दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त छिद्र का कुछ भाग अधिचर्म सतह पर उभरा हुआ व शेष अधिचर्म से नीचे होता है। तो बेटा देखना क्या बता रही हूँ मैं, मतलब द थैलस ऑफ मार्केशिया इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू रीजंस, फोटोसिंथेटिक रीजन एंड द स्टोरेज रीजन। अब बात किसकी कर रही हूँ, फोटोसिंथेटिक रीजन की। मतलब फोटोसिंथेटिक रीजन में क्या होता है बेटा, इसमें अपर एपिडर्मिस पाई जाती है थैलस में और लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है। तो अपर एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, पतली भित्ति युक्त होती हैं, और एपिडर्मिस की सेल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो
अधिचर्म में मतलब एपिडर्मिस में अनेक ढोलक की आकृति के पोर्स उपस्थित होते हैं, मतलब इन द एपिडर्मिस ऑफ मार्केशिया थैलस सम पोर्स आर फाउंड विच ओपन इन द एयर चैम्बर्स। ये जो रंध्र हैं, पोर्स हैं, वो नीचे स्थित वायु प्रकोष्ठों में खुलते हैं, एयर चैम्बर्स में खुलते हैं, एंड प्रत्येक रंध्र 4 से 8 अध्यारोपित कोशिका वलयों या सोपानों द्वारा परिबद्ध रहता है। तो प्रत्येक सोपान में 4 से 5 कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक रंध्र 16 से 40 कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है, मतलब ईच पोर और ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय नियरली 16 to 14 सेल्स। प्रत्येक छिद्र मध्य में चौड़ा होता है, वे किनारों पर सकड़ा होता है। तो जैसे अपन बात करते हैं बेटा, किसकी बात करेंगे कि इन छिद्रों को नीचे की ओर से देखने पर क्रूसिएट या चतुर्भुजी आकृति के दिखाई देते हैं। चतुर्भुजी रंध्र में सबसे नीचे वाली कोशिका पंक्ति की भीतरी दीवारें छिद्र की गुहा में उभरी रहती है। तो क्रॉस रूप रंध्र में सबसे नीचे वाली कोशिका पंक्ति की भीतरी भित्तियां एक वलय के रूप में रंध्र गुहा में निकली रहती हैं, जिससे छिद्र ताराकृत दिखाई देता है। मैं एक स्लाइड शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, देखते हैं स्क्रीन शेयर हो जाता है तो स्लाइड दिखाते हैं बेटा आपको एक। तो स्टॉप कर रही हूँ स्लाइड को मैं, ठीक है एक।